देता सूखा। ऐसे ही आपके घर में बहुत अच्छी दवा है काला नमक और सेंधा नमक। आपको तो मेरी विनती है कि आप घर का नमक बदल दो अपना, पहले तो ये पिसा हुआ तो लाना बंद कर दो। आप या तो सेंधा नमक लाओ नहीं तो काला, और वो डेले वाला लाओ। और सब्जी में नमक सब्जी बनाते समय डालो, सब्जी बनने के बाद नमक कभी मत डालो, क्योंकि सब्जी बनने के बाद नमक डाला तो वो जहर जैसा काम करता है। दाल बनने के बाद नमक डाला तो जहर जैसा काम करता है। और एक परंपरा बंद कर दो ऊपर से नमक डाल के खाने की। अगर कोई दिन आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है तो कम नमक का ही खा लो, ये ऊपर से डाल के खतरनाक। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो जिसने बनाया है खाना उसका अपमान कर रहे हैं आप, उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि देखो तुमने नमक बराबर नहीं डाला है। भले आप बोले या ना बोले उसको ये हर्ट तो करने ही वाला है, तो उसका अपमान कर रहे हैं और अपने शरीर का भी नाश कर रहे हैं। तो ऊपर से नमक डाल के तो खाना बिल्कुल बंद कर, थाली में नमक रख के बैठना। नमक जितना डालना है सब्जी बनते समय, माने उबलना चाहिए, नमक डलने के बाद उसमें उबाल आना चाहिए। ऐसे ये बुरक के खाना ये तो बहुत खराब, जैसे हम सलाद पे कई बार नमक बुरक के खाते हैं, ये बंद कर दो। अगर कोई मजबूरी ही है, बुरक नहीं है, तो वो काला नमक थोड़ा बुरक लो और ये सफेद वाला तो बिल्कुल नहीं। तो इन चीजों से आप बहुत इलाज कर सकते हैं। नमक बदल दो आपकी बहुत बीमारी चली जाए। और एक दो